मैं आस्तिक हूँ, मैं पूजा पाठ में मैं बहुत बहुत यकीन रखता हूँ। मुझे नहीं पता भगवान है नहीं है, कि अगर आज मैं उनके साथ काम कर रहा था, रोज़ मुझे सेट पे सुना रही होती तुम ही लोगों की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हुई है। बट यू नो शी इज़ ओपन माइंडेड, वो ऐसा बोल सकती हैं। बट खैर, आई शेयर अ ब्यूटिफुल केमिस्ट्री विद हर, एक खूबसूरत दोस्ती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपनी और कंगना रनौत के साथ दोस्ती की वजह से, तो कभी अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की वजह से। जी हां, हाल ही में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष के पसंदीदा शो 5 एडिटर्स में, जहां पहली बार चिराग पासवान के से पूछे गए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ काफी पर्सनल सवाल। जी हाँ, चिराग पासवान से पूछा गया कि आखिरकार आपकी और कंगना रनौत की दोस्ती का सच क्या है, ये दोस्ती है या फिर कुछ और। साथ चिराग पासवान से पूछा गया कि आखिरकार चिराग पासवान अपने माथे पर इतना लंबा टीका क्यों लगाते हैं, क्या है इस टीके का राज। साथ ही चिराग पासवान से यह भी पूछा गया कि आप हनुमान भक्त हैं या फिर शिव भक्त। देखिए किस तरह से चिराग पासवान ने इस शो में पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी दुनिया को बताया। आप क्यों इतना लंबा टीक डालते हैं जी, क्यों? ये वो पूछ रहे हैं जो खुद बहुत इतना लंबा टीक डालते हैं। मैं आस्तिक हूँ, मैं पूजा पाठ में मैं बहुत बहुत यकीन रखता हूँ। मुझे नहीं पता भगवान है नहीं है, पर मेरी आस्था मुझे बहुत ग्रेविटी देती है, बहुत धैर्य देती है, मुझे बहुत कंपोज करके रखती है, मुझे विपरीत परिस्थितियों में बिखरने नहीं देती, मेरे अंदर घबराहट उत्पन्न करने नहीं देती। इसीलिए मैं आस्था में समय मैं देता हूँ, और मुझे लगता है पिछले 3 साल अगर इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ एंड विद अटमोस्ट ग्रेविटी मैंने अपना कूल खोने नहीं दिया। ये ऐसी परिस्थितियां थी, मतलब मैं मानता हूँ कोई मैं जानता हूँ आप शिव भक्त हैं बहुत बड़े। मैं बहुत बड़ा मैं शिव भक्त हूँ, बहुत बड़ा। बीजेपी के वास्ते नहीं है ना, बीजेपी के वास्ते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और मैं हूं। आपका सबसे ज्यादा जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है कंगना रनौत और चिराग पासवान, लेकिन राजनीति में आप उनसे सीनियर हैं, क्या आपने कंगना को कुछ टिप्स दिए? नॉट एट ऑल। और जो भी कंगना को जानता है सब मानते हैं शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी एंड आई नो हर फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। सोच उनकी स्पष्ट है, आप उनकी सोच से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो गुंजाइश आपके पास पूरी तरीके से है, बट वो अपनी सोच को लेकर वो बहुत क्लियर है। और मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता रहा ही नहीं, हम लोगों ने फिल्म में साथ काम किया। अच्छा, आपने टिप्स दिए या नहीं दिए, या उनको टिप्स की जरूरत नहीं होती है? दोनों। उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने दिए भी नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ आपके फॉलोअर्स ही नहीं, मंत्री बनने के बाद आपकी फिल्म के व्यूज भी बढ़ गए हैं। मतलब सोचा नहीं था, बट हाँ जब ये खबरें शुरू हुई कि कंगना राजनीति में आने वाली है, उनकी जीत को लेके मैं 100% श्योर। लेकिन मैंने एक चीज देखी, वो खंबे पे सिर लड़ा तो आपने हाथ मार दिया, अभी भी कुछ ऐसे हालात हैं कि कहीं पे वो लड़ रही है तो आप रोक रहे हैं। प्रभु, वो सीन था, आई वाज टोल्ड बाय माय डायरेक्टर टू डू दैट। लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ चिराग जी ने उस वक्त कंगना जी के साथ फिल्म कर ली, आज करते तो नेपोटिज्म के आरोप लगते। मैं खुद कहता हूँ रोज मुझे सेट पे सुना रही होती तुम ही लोगों की वजह से जिंदगी बर्बाद हुई है, बट यू नो शी इज ओपन माइंडेड, वो ऐसा बोल सकती है। बट खैर, आई शेयर अ ब्यूटिफुल केमिस्ट्री विद हर, एक खूबसूरत दोस्ती है जिसको मैंने हमेशा सराहा है, एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ऐसी दोस्ती नसीब होती है जहाँ पे एक साथ हम लोगों ने एक प्रोफेशन में जुड़े और दूसरे प्रोफेशन में भी हम लोग एक साथ रहे। आप दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, कंगना से ऐसी दोस्ती नसीब होती है? मैं दोस्ती का जिक्र कर ठीक है। कंगना जी ने किसानों पर एक बयान दिया जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। मैं दोस्त के नजरिए से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने दोस्ती का जिक्र किया, कि आप कंगना जी के बयान से सहमत हैं?
देखिए मैं दोस्त हूँ, अपनी राय बंद कमरे में उनको ज़रूर मैं दूंगा जो मुझे उनसे कहना है, क्योंकि दोस्ती मुझे वो माहौल मुहैया कराती है जहाँ आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वैसे, जहाँ पर मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। इसमें मैं पर्सनल ओपिनियन भी नहीं रखूंगा, बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे व्यक्तिगत रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक रही बात राजनीतिक तौर पर, मुझे लगता है उनकी पार्टी का ये विषय और उनकी पार्टी ने भी काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, तो मैं बिना मतलब आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट जोन। अच्छा ठीक है, तो एक फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।